फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फोन के स्लो इंटरनेट को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो, आपने सभी सेटिंग्स को ट्राई कर लिया, आपने सभी चीजों को ट्राई कर लिया, बट आपका इंटरनेट जो है फास्ट नहीं चल रहा है, तो रुको, आज के इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, दो ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसे आप अप्लाई करते हो ना, तो मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका नेटवर्क जो है रॉकेट की तरह चलने वाला, आपका इंटरनेट जो है रॉकेट की तरह चलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो दूसरे नंबर की ट्रिक है उसे भूल के भी मिस ना करें, क्योंकि वो वाला जो ट्रिक है वो सबसे ज्यादा जो वर्केबल ट्रिक है, क्योंकि मैंने भी अपने दोस्तों को कुछ ऐसा ट्रिक बताया है, उसका नेट जो है रॉकेट की तरह स्पीड चलने लगा है, और अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक देने लगा है। आपका कोई भी प्रोवाइडर क्यों ना हो, एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह वगैरह कोई भी हो, आपका जो इंटरनेट इन सभी सेटिंग्स के बाद काफी तगड़ा चलने वाला है रॉकेट की स्पीड की तरह। तो मेक श्योर की वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और हाँ, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट ट्रिक की, उसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड ट्रिक की। तो फर्स्ट ट्रिक के अंदर आपको दो चीजों को बताऊंगा, तो दोनों ध्यान से देखना है, उसके बाद दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन की सेटिंग्स पे आना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क का, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको रिकमेंडेड जो आपका ऑटो या फिर रिकमेंडेड रहेगा तो उस पे क्लिक कर देना है। आपको ध्यान से रखना है कि यहाँ पे आपका जो है रिकमेंडेड यानी कि ऑटो का ऑप्शन रहेगा, उस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा APN एक्सेस पॉइंट नेम, देख सकते हैं, उस पर क्लिक करना है सिंपली, और आपका जो भी प्रोवाइडर है यानी कि जो भी सिम है आपका, तो सिंपली यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा, नाम वगैरह मिल जाएगा, उस पर टिक आउट मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे साइड में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो सिंपली आपको थोड़ा स्क्रॉल ऑन करके ऊपर करना है, और एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको APN प्रोटोकॉल का, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपका फोन में जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे IPv4 पे क्लिक रहेगा, तो सिंपली आपको करना क्या है ना, यहाँ पे IPv4 या फिर IPv6 पे क्लिक कर देना है, क्योंकि बहुत सारे के फोन में डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है IPv4 क्लिक रहता है, तो आपको सिंपली IPv4 या फिर IPv6 पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली एक और ऑप्शन मिल जाएगा APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो इसमें भी सिंपली आपको इसी पे क्लिक करके रखना है। यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे क्लिक करके रखा है, इससे मेरा नेट काफी ज्यादा जो है स्पीड चल रहा है, और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा BRR का, सिंपली आपको BRR पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका अनस्पेसिफाइड क्लिक रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अनस्पेसिफाइड के साथ साथ LTE पे भी क्लिक करके रख देना है। यहाँ पे अनस्पेसिफाइड और LTE पे दोनों पे आपको क्लिक करके रखना है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रिक के अंदर, फर्स्ट सेटिंग के अंदर आपको चार चीजों को करना है, पहला तो ऑटो में करना है नेटवर्क टाइप को, दूसरा में यहाँ पे आपको APN प्रोटोकॉल पे IPv6 या फिर IPv4 पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी सेम पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे BRR में आपको अनस्पेसिफाइड और LTE पे क्लिक करके ओके कर देना है, एंड उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक कर लेना है। ये तो है फर्स्ट ट्रिक। अगर इसके बावजूद भी आपका इंटरनेट स्पीड नहीं चलता है तो आप यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी सिम प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि जो भी सिम कार्ड है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आपको उसके कस्टमर केयर को फोन करना है और बोलना है कि मेरा जो यहाँ पे इंटरनेट स्पीड नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो कि वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो लोग वहाँ से मैनेज करते हैं, या फिर आपके लोकल में अगर एरिया में नेटवर्क इशू रहता है तो वो लोग खुद आके आपको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपका इंटरनेट ठीक कर देंगे। तो अगर पहला ट्रिक, ये सभी ट्रिक्स करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट स्पीड नहीं चलता है तो आप अपने सर्विस सेंटर पे फोन कर सकते हो जो भी सिम है आपका, और उनसे कंप्लेंट दर्ज करें, तो 110% आपका नेट स्पीड चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।